हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन की पांचवी और आखिरी क्लास है। आज की क्लास में हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये है हमारा कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक पार्किंग में कुछ दो पहिया वाहन हैं और कुछ चौपहिया वाहन हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, दो पहिया का मतलब है दो पैर हों जिसके, और चौपहिया का मतलब है जिसके चार पैर हों। ठीक है, अगर पहिए गिने जाएं तो 520 हैं, परंतु पार्किंग वाले ने बताया कि कुल 175 वाहन हैं। दो पहिया वाहन की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो, दो पहिया वाहन हैं, टू व्हीलर्स हैं और फोर व्हीलर्स हैं। ठीक है, चौपहिया वाहन, ठीक है, दो है हमारे पास। क्या बोला है कि जो पैरों की संख्या है यानी कि जो टायर्स की संख्या है वो कितनी है? 520, और जो वाहन है टोटल वो कितने हैं? 175। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो 175 वाहन है ये सारे दो पहिया वाहन है। अब जब सारे दो पहिया वाहन है तो हमारे पास टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 350 हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास दो पहिया वाहन है, ठीक है, मान लो सारे के सारे व्हीकल चौपहिया वाहन है, जब सबके चार पैर होंगे और एक टोटल वाहन कितने हैं? 175, और सबके पैर कितने हैं? चार, तो टोटल पैर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ हो गए हमारे 700 पैर, और दोनों को मिला के हमारे पास पैर हैं कितने? 520। तो हमारा फिर से वही एलिगेशन मेथड लग जाएगा। कल भी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन करे थे, जहाँ पे हमारे पास हिरण थी और बतख था, तो हिरण और बतख में भी ऐसे ही थे। हिरण के चार पैर होते हैं, बतख के दो पैर होते हैं, ऐसे ही हमारे पास यहाँ है, दो पहिया वाहन के दो पैर होते हैं, चौपहिया के चार पैर होते हैं। यही होता है ना, चार पहिए होते हैं जिसको मैं पैर बोल रही हूँ, यानी कि पहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पहिए कितने दे दिए? 520। तो हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा, है ना। इन दोनों का अंतर कितना? 170। इन दोनों का अंतर कितना? देखो, इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180। जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, है ना। तो 18:17 में आ गई हमारी वैल्यू। अब देखो, टोटल वाहन कितने? 175। अनुपात में वैल्यू कितनी? 18 और 17 कितनी? 35। ठीक है, अब क्या निकालना है? दो पहिया वाहनों की वो संख्या निकालनी है। दो पहिया वाहन का अनुपात कितना? 18, तो गुणा 18, 35 से चला जाएगा 5 पे 18 5 90। तो दो पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? 90 है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल व 260 रुपये प्रति क्विंटल की दो किस्म की दाल खरीदी। दूसरे किस्म की 52 क्विंटल दाल में पहले किस्म की कितने क्विंटल दाल मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। यहाँ पे देखो क्या है, 200 रुपये कीमत वाली एक वस्तु है, 200 रुपये कीमत वाली है, दूसरी है 260 वाली, और दोनों को मिला के किस हिसाब से बेचना है? 300 रुपये में तो बेचना है, लेकिन ये क्या है, इस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो हमें तो क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। ठीक है, मान लो ये ए दाल है, ये बी दाल है, ठीक है, तो इसका पहले निकालेंगे हम अपना क्रय मूल्य। तो एक क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये कितने के बराबर? 125 के बराबर। हमें तो 100% चाहिए, तो गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 60 पे कट जाएगा, 6 चौके 24, 240 रुपये आ गए हमारे क्रय मूल्य। तो दोनों को मिला के कितनी वैल्यू बन गई? 240। सेम हमारा अनुपात आ जाएगा 40 20, तो क्या आ गया? 1:2 में आ गई हमारी वैल्यू। अब क्या बोला है, दूसरे किस्म के 52 क्विंटल गेहूं में, और दूसरे किस्म का अनुपात कितना? 2:2 के बदले वैल्यू कितनी? 52। 1:1 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे पहले का अनुपात की वैल्यू ही हमसे पूछी थी कि पहली किस्म की कितनी दाल मिलाई जाए। तो 1:1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कितने आ जाएगी? 26 क्विंटल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
एक आदमी ने 20 पेन व 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदी। उसने पेन को 25% लाभ और पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 मूल्य पर बेचा। एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करो यदि उसे 120 रुपये का लाभ हुआ हो। यहाँ पे देखो, उसने दो चीज़ें खरीदी हैं, एक पेन खरीदा है, दूसरा खरीदा है उसने पेंसिल। ठीक है, दो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, पेन और पेंसिल। पेन पे क्या लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है जब उसको बेचा है। और पेंसिल का लाभ हम निकाल लेंगे, पेंसिल को बेचा है 7/5 भाग में, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 5 रुपये था तो उसने कितने में बेचा है? 7 रुपये में बेचा है। तो कितने रुपये कमा लिए यहाँ पे? 2 रुपये कमा लिए। कितने पे? 5 पे, गुणा 100। तो यहाँ पे देखो, 2 रुपये का लाभ कमाया कितने पे? 5 पे, गुणा 100। 5 से कट गया 20 पे, तो कितना लाभ कमाया यहाँ पे? 40% का लाभ कमाया है पेंसिल पे, तो 40% का लाभ कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, पेन पे कमाया 25% का लाभ, पेंसिल पे कमाया 40% का लाभ, और टोटल का लाभ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, 360 रुपये में वस्तु खरीदी थी, 120 रुपये का लाभ कमाया, तो 120 रुपये का लाभ कमाया है कितने पे? 360 पे, गुणा 100। कितने में कट जाएगा? 3 पे कट जाएगा। 100/3% का लाभ कमाया है यहाँ पे, तो 100/3 कर देंगे, है ना। 3 से सबको गुणा कर देंगे, नीचे 3 है तो इसके भी गुणा 3, इसके भी गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 75, 120 और दोनों को मिला के वस्तु कितने में बेची? 100 में। हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 20, क्या अनुपात आ गया? 4:5। तो यहाँ पे जो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया वो क्या आ गया? 4:5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4:5, और टोटल देखो, टोटल क्रय मूल्य कितना था? 360, और दोनों का अनुपात कितना आ गया? 4:5। तो देखो, 360 टोटल अनुपात कितना? 9। किसकी वैल्यू पूछी हमसे? पेंसिल की कीमत पूछी है, तो पेंसिल का अनुपात कितना? 5, और टोटल पेंसिल कितनी? 16, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक पेंसिल की कीमत निकालनी है, 16 की नहीं निकालनी, तो इसको दे देंगे 16 से और भाग दे देंगे। तो देखो, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 निम्मे 36। ठीक है, 9 से कट जाएगा 10 पे, 2 से काटेंगे 2 पे, 2 से कट जाएगा 5 पे, तो क्या आ जाएगा? 25/2, यानी कि 12.5 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा, दूसरी कुर्सी को 5/4 पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का लाभ हुआ। सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, क्या दिया है हमें? ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये यहाँ पे हमें लाभ हुआ है तो ये भी निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमें क्या हुआ है? किसी वस्तु को 4/5 में बेचना, यानी कि क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 4, तो एक का हानि हो रहा है यहाँ पे किस पे? 5 पे, गुणा 100। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 20% की हानि, 20% की हानि हो रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो देखो, एक कुर्सी मान लेते हैं ए, दूसरी हमारे पास बी, तो ए पे हो रही है हानि कितनी? 20% की हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? दूसरी कुर्सी को 5/4 पर बेचा है। 5/4 का मतलब है 4 की कोई वस्तु थी, बेची किस में? 5 में बेची, तो लाभ हो रहा है 1 का किस पे? 4 पे, गुणा 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पे हो रहा है 25% का लाभ, है ना। और दोनों को मिला के क्या हो रहा है? 90 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 90 रुपये, 900 का कितना परसेंट है? 10% है, है ना। 2 0 से 2 0 की 9 से घट गया 10 पे, तो क्या है? 10% क्या है? लाभ है। तो 10% यहाँ पे हो रहा है लाभ, है ना, यही हुआ है। क्या यहाँ पे देखो, क्या हुआ था कि हमने कोई भी 2 कुर्सी खरीदी थी, किसमें? 900 रुपये में खरीदी थी। एक कुर्सी को हमने क्या किया? 4/5 भाग पे बेचा। दूसरी को क्या बेचा? 5/4 पे बेचा, उनके क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के। ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या निकाल लिया कि इस पे क्या हुआ है? इस पे हुई हमें हानि। जब किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तो हमें हानि होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे क्या हुआ है? कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है, और ओवरऑल हमें हो रहा है 10% का लाभ। जहाँ पे हानि हो रही वहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस का साइन। ठीक है,
अब यहाँ देखो, यहाँ पे अंतर कितना है 15 का और यहाँ पे अंतर कितना 30 का। एक चीज, एक गलती कर सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ इसको कोई भी साइन न दे के 20-10 कर दोगे, ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो वहाँ पे एक शर्त ज़रूर फॉलो होनी चाहिए कि एक चीज़ हमेशा छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी, और जो बीच में ये वाली संख्या होगी ये ठीक बीच की नहीं होगी, कोई भी बीच की संख्या होगी। अगर यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 25 होगा, तो 10 इनके बीच की संख्या नहीं होगी, तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तब जाके ये बीच की संख्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10। 1:2 में था इनका क्रय मूल्य। अब क्या पूछा है, सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ, तो सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 1:1 में, और टोटल वैल्यू कितनी 900, और टोटल अनुपात कितने 3, तो 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई, तो 300 के बदले वैल्यू कौन सी है फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। चीनी के एक मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। यह मिश्रण 2.1 रुपये प्रति किलो व 2.52 रुपये प्रति किलो की चीनी को मिलकर बनाया गया। मिश्रण में सस्ती और महंगी चीनी का अनुपात ज्ञात करो यदि 25% का लाभ हुआ हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम सारी चीज़ें वही हैं जो हम अब तक करते आए हैं, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। क्या है, शुरू में हमें क्या देते थे कि इतने रुपए में बेचा तो इतना परसेंट लाभ हुआ, यहाँ पे भी सेम वैसे ही दे रखा है। यहाँ पे क्या है, 1 2.1 रुपए वाली की चीनी है, 1 2.52 वाली चीनी है, दोनों को मिला के 3 में बेचा है, लेकिन 3 इसका जो क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है 25% लाभ के बदले है, 25% लाभ के बदले है, तो ये 125 के बराबर है गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 3 चौके 12/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.4 आ गई हमारी इसकी वैल्यू, तो 2.1 की वस्तु थी और 2.52 की वस्तु थी और 2.4 में बेची है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर कितना 0.3 का, यहाँ पे अंतर कितना 0.12 का, ठीक है। इन दोनों के बटे 100 करेंगे तो दोनों के पॉइंट्स हट जाएंगे, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 10 पे 2 से कट जाएगा 2 पे 2 से कट जाएगा 5, 2:5 में आ गई हम इन दोनों की वैल्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दो तरह की किताबें बेचता है। वह राष्ट्रीय किताबें 18 रुपये प्रति किताब से बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय किताबों को 30 रुपये प्रति किताब बेचकर 20% का लाभ होता है। दोनों तरह की किताबों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वह 27 रुपये प्रति किताब बेचकर 25% का लाभ कमा सके। यहाँ पे देखो क्या है, दो तरह की पुस्तकें हैं हमारे पास, एक है 18 रुपये वाली पुस्तक है, एक है 30 रुपये वाली पुस्तक है ना, और क्या है इस पे हो रहा है 10% की हानि, यानी कि माइनस में साइन रहेगा। दूसरे पे हो रहा है 20% का लाभ, और यहाँ पे क्या है 27.5 रुपये में प्रति किताब बेचकर 25% का लाभ हो, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो 18 रुपये कीमत है ये 10% हानि के बदले है, यहाँ पे जो 30 रुपये कीमत है ये 20% लाभ के बदले है, और ये जो 27.5 रुपये है ये भी 25% लाभ के बदले हैं, है ना। तो सबका निकालेंगे क्रय मूल्य, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, जब तक एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, जब तक वस्तुओं का या तो सेम वैल्यू नहीं होगी, देखो यहाँ पे ना तो हमारे पास क्रय मूल्य का पता, न विक्रय मूल्य का पता, क्योंकि विक्रय मूल्य सब अलग अलग हैं, कोई हानि परसेंट के बदले है, कोई लाभ परसेंट के बदले है, हमें सबका यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसका क्रय मूल्य, तो 18 रुपये किसके बराबर है 90% के बराबर है गुणा 100, 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से कट गया 9 से कट गया 2 पे, तो इसका रुपये कितने आ गए 20 रुपये, तो यानी कि एक वस्तु है 20 की, 30 रुपये हमारे किसके बराबर हैं 20% लाभ के बदले, तो 30 हैं हमारे 20% लाभ के बदले गुणा 100, 5 से कट गया 20 पे, सॉरी 20 से कट गया 5 पे, 20 से कट गया 6 पे, 6 पंजे 30, इसकी कीमत कितनी आ गई 25 आ गई।
इसका भी निकाल लेंगे क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये कितने के बराबर, 125 के बराबर गुणा 100 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 और कर देंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से फिर से काट देंगे 11, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 पे तो कितनी हो जाएगी कीमत यहाँ पे 22 रुपये। अब हम लगा सकते हैं एलिगेशन मेथड, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, तो हम लगा देंगे एलिगेशन मेथड। तो एक 20 रुपये की वस्तु थी, एक 25 रुपये की वस्तु थी, दोनों को मिला के कितने की हो गई, 22 रुपये की हो गई। तो ये यहाँ पे लगा दिया हमने एलिगेशन मेथड, ये 2 ये 3। तो किस अनुपात में हमारी वस्तुएं, 3:2 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर और तेल की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। दो चीज़ें दे दी यहाँ पे हमें, एक तो पेट्रोल दे दिया, एक हमें दे दिया तेल। वैसे तो पेट्रोल भी तेल ही होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दे दिए दो चीज़ें हमें, क्या पेट्रोल दे दिया और तेल दे दिया, ठीक है। पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है उसको 75 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो ये तो क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये है हमारा विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु है 60 रुपये की, दूसरी है 40 रुपये की, और 75 में बेचने पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, गुणा, ठीक है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से कट जाएगा 15 पे। तो वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 60 आ गई। अब एक चीज़ बताओ मेरे को एक मेरे पास 20 रुपये किलो की चीज़ है, एक 10 रुपये किलो की चीज़ है, और मेरे को चाहिए कि मैं दोनों को मिलाऊं लेकिन कीमत 20 ही रहे, ऐसा पॉसिबल है, कभी भी नहीं पॉसिबल है। चाहे एक बूंद भी मिलेगी ना तो उस वस्तु की कीमत घटेगी, 20 रुपये कभी भी नहीं रहेगी। किसी ज़्यादा कीमत वाली वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिलाएंगे तो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डिक्रीज हो ही नहीं रहा। यहाँ तो 60 रुपये कीमत है, यहाँ पे 60 है यहाँ पे, तो ऐसा कोई मिश्रण पॉसिबल है जिसमें 60 रुपये वाली चीज वस्तु में 40 वाली चीज़ मिलाएं कि जो वैल्यू है वो 60 ही रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिश्रण संभव नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया था ताकि आप अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि इस क्वेश्चन में क्या करें, कहीं आप ऐसे ही एलिगेशन वो लगाने लग जाओ, है ना, ऐसे एलिगेशन मेथड नहीं लगाना, ठीक है। जब 60 रुपये की वस्तु यहाँ पे मान लो 40 भी होते, एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पे 60 की बजाय 40 आंसर आता तो एक चीज़ बताओ, कम रुपए की वस्तु है उसमें ज़्यादा रुपए की वस्तु मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ कीमत चाहे पॉइंटों में बढ़े, लेकिन वो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो इसका मतलब कि ऐसा कोई भी मिश्रण संभव नहीं है जिसमें कम रुपए की वस्तु में ज़्यादा रुपए की वस्तु मिलाने पर जो कीमत है वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा यही रहेगा, मिश्रण संभव नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:1 और 2:3 है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं जहाँ पे देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे, ऐसे करें हमने, दो बर्तन हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ पॉइंट वो लेके अमाउंट हमने तीसरा एक मिश्रण बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं। इस क्वेश्चन में जहाँ पे आप गलती कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ, देखो जो आप जिस तरीके से सोचोगे वो मैं आपको बताती हूँ और क्वेश्चन कैसे होगा वो भी देखना। यहाँ पे देखो क्या है, दूध पानी, ठीक है, बर्तन ए बर्तन बी और दोनों को मिला के मान लो मिलाया हमने बर्तन सी में, ठीक है, बर्तन ए में क्या है 9:1 में, तो 9:1 लिख लिया। बर्तन बी में है 2:3 में, तो 2:3 लिख लिया। और बर्तन सी में क्या हो रहा है 3:7 है ना, जो आप लोग कर सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पे है दूध और पानी, और ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पानी और दूध, तो यहाँ पे जो ये अनुपात है ये पलट जाएगा, 7:3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो आप गलती कर सकते थे वो मैंने आपको बताई, क्या गलती करते आप यहाँ पे,
सीधा यही लिख देते, दूध और पानी का अनुपात 3:7 और एलिगेशन मेथड लग ही नहीं सकता फिर, ठीक है। जो आप गलती कर सकते थे वो ये थी, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब तो क्या रह गया, अब तो देखो इन दोनों का जोड़ 10, इसका जोड़ 5, इसका जोड़ 10, तो इसको सिर्फ 2 से गुणा करनी है, हमारे जोड़ बराबर हो जाएंगे। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, ये 4:6 हो जाएगा। अब देखो 9 रुपये की वस्तु थी, 4 की वस्तु थी, दोनों को मिला के 7 की होगी, तो 9, 4, 7 एलिगेशन मेथड हमारा वर्क कर जाएगा, 3 और 2, तो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 3rd ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है और दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण लिया गया? यहाँ पे देखो दो वही सेम चीज़ें हैं, दूध है हमारे पास और पानी है हमारे पास, ठीक है। किस अनुपात में है? 8:3 में है। और ये हमारे पास ए बर्तन, ये हमारे पास बी बर्तन, बी बर्तन में क्या है? 5:1 में है। और सी बर्तन में क्या है? 4:1 में है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, तीनों के जोड़ बराबर करने हैं। इन दोनों का जोड़ क्या हो रहा है? 11, इन दोनों का जोड़ हो रहा है 6, इन दोनों का जोड़ हो रहा है 5। तो मैंने आपको क्या बताया, तीनों का करना है जोड़ बराबर। एक बार जब जोड़ बराबर हो गया तो लेने हैं कोई भी एक चीज़ हमें उठानी है, चाहे आप दूध उठा लो चाहे आप पानी उठा लो, फिर हमारा लग जाएगा एलिगेशन मेथड। जो हमारा लास्ट में अनुपात आएगा उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है 35 लीटर। तो 1:1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो हमें निकालना है जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, पहले बर्तन में कितने लीटर मिश्रण लिया गया जो भी है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ। पानी और दूध के 50 लीटर मिश्रण में पानी 20% है। दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण देता है, बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देता है। वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे 50 लीटर मिश्रण है, इस 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, तो दूध कितना है? 80% है, तो इसमें दूध कितना हो गया? 80/100 गुणा। अब क्या हुआ है, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, इसका 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, यानी कि 40/50 दूध बचा भी हमारे पास, जितना भी ये दूध था हमारे पास इसका फिर से बचा है हमारे पास 40/50, क्योंकि फिर से 20% ही तो निकाला है ना। या तो इसको 80/100 कर दो या 40/50 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखो, और बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पानी का बाद में देखेंगे, पहले अब निकाल लेते हैं दूध कितना बचा है इसमें। तो अब देखो 50 से 2 पे कट जाएगा, 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से कट गया 2 पे, है ना। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30, 16 2 32 लीटर है अभी हमारे पास दूध। अब 32 लीटर दूध है, टोटल मिश्रण है 50, तो दूध की पानी की मात्रा कितनी है? 18 लीटर। 18 लीटर है 50 में गुणा 100, तो दूध पानी कितने परसेंट है? 36%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक मदिरा में 8 लीटर अल्कोहल व शेष पानी है। एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें अल्कोहल 30% है, तो ज्ञात करो कि कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया अगर शुरुआत में 32 लीटर पानी था। यहाँ पे देखो 8 लीटर अल्कोहल थी और बाकी पानी था, यानी कि जो टोटल मिश्रण था वो कितना था? 40 लीटर था। इतना दे दिया मैंने आपको हिंट, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। इसको हम कल की क्लास में करेंगे, और जो ये हमारा चैप्टर था मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये हमारा आज की क्लास में ख़त्म हो गया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी 1% डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका आंसर अगली क्लास में देंगे, उसको अगली क्लास में सोल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।